हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आरएमसी के मसाले के बारे में। मीन्स आरएमसी की जो कंक्रीट आती है, उस कंक्रीट को डालने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं जब हनीकॉम्बिंग वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा इस चीज़ को बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं इस चीज़ को जरूर क्लियर कर दूँ कि हनीकॉम्बिंग वाइब्रेटर न लगाने से तो हो ही सकता है उन सब चीज़ों से, लेकिन आरएमसी का आप कंक्रीट डलवाते हैं तो आरएमसी कंक्रीट में अगर आप कुछ भी लगवा लें तब भी वो चीज़ आएगी हनीकॉम्बिंग की तरह, बल्कि उससे ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें। और तो क्या दिक्कत है, सबसे पहले बात करते हैं जब भी आरएमसी का कंक्रीट आप डलवाते हैं, ठीक है, तो जो ट्रक आता है, एक ट्रक जब पहली बार पंप होके आपके छत में जो है कंक्रीट जाता है, तो पहली बार साथ में कुछ लिक्विड आता है, जैसे कि लिक्विड कह सकते हो उसको, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है और काफ़ी ग्लू टाइप का होता है, काफ़ी मतलब लसलसा टाइप का होता है वो, और जो है स्मूथ काफ़ी चिकना टाइप का होता है। जैसे आप चिकनापन करने के लिए चिपके हैं तो ऑयल लगाते हैं हर जगह, तो वैसे ही वो ऑयल टाइप का लिक्विड होता है, ऑयल नहीं होता, लेकिन लिक्विड अलग से डालते हैं कि वो मसाला जो उनका कंक्रीट है वो जब पंप किया जाए तो पंप में कहीं भी जाम ना हो, वो इसलिए डालते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली लोग जो है सोचते क्या है, उनके माइंड में ये सेट होता है कि ये जो है केमिकल जो है ये आपके कंक्रीट को अच्छा बनाने के लिए डाला जाता है, ठीक है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है शुरुआत में, लेकिन मैंने उस चीज़ को दो तीन बार नोटिस किया तो मुझे लगा कि ये चीज़ अलग चीज़ है, कि ये इस चीज़ का पार्ट है ही नहीं कि जो लोग सोचते हैं कंक्रीट में अच्छे से बॉन्डिंग करने के लिए इस चीज़ केमिकल डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जब भी आप ध्यान रखें, जब भी पहला आपका ट्रक आएगा, चाहे पहला है चाहे दूसरा चाहे तीसरा है, जो भी एक ट्रक आएगा उस ट्रक में जब पहली बार कोई कंक्रीट निकलेगा, ठीक है, तो वो लोग क्या है कुछ लिक्विड डालते हैं कि वो चीज़ कंक्रीट जो है पाइप में फंसे ना। तो जब पहली बार पंप होके आपकी इस छत पे कंक्रीट आती है तो उसके साथ जो लिक्विड आता है व्हाइट कलर का, उसको ऐसा करें कि उसको पहले उस लिक्विड को पानी से साफ कर दें वहाँ पे, ठीक है। थोड़ी बहुत कंक्रीट हल्के से बेकार जरूर हो जाएगी, लेकिन वो जो लिक्विड है उसको आपको पूरी तरह साफ करना है, उसको साफ करके पूरा निकाल दें छत से, शटरिंग से जो भी बह के नीचे निकल जाएगी, तब उसके बाद आप कंक्रीट डालें आराम से। उसका जो भी पंप होगा फिर कंक्रीट पूरा प्योर कंक्रीट ही आपका जो है ऊपर आएगा, जो वो लिक्विड होगा वो पूरा जो है पहले आपको निकाल देना है। उस लिक्विड की वजह से क्या हुआ था, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये भी उसी टाइम की है जब इसमें पहली बार कंक्रीट यहाँ पर डाला गया था, तो वो लिक्विड भी साथ में कंक्रीट साथ डाल दिया गया। ये सोचते हैं लोग कि ये कंक्रीट का ही एक बॉन्डिंग मटेरियल है, ठीक है, तो उसके चक्कर में लोग इसको हटाते नहीं कि और स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसको जब ये सूख जाता है, जब इसकी शटरिंग निकाली गई यहाँ से, तो जहाँ जहाँ ये लिक्विड था, जहाँ पर पहली बार आप पंप हुआ था, तो जहाँ पे ये लिक्विड आया था उस जगह देखिए इस तरह की हनीकॉम्बिंग टाइप में ये चीज़ आपको स्लैब में दिख रही है। अब ये हनीकॉम्बिंग उस पार्ट को कह सकते हैं, हनीकॉम्बिंग ही कह सकते हो, लेकिन ये किसी और चीज़ से नहीं आया कि वाइब्रेटर नहीं लगा, कि वर्केबिलिटी अच्छी नहीं रही, कि शटरिंग वर्क नहीं अच्छा रहा, फ्रेमवर्क अच्छा नहीं रहा, कि हमारा जो कंक्रीट ज़्यादा गीला है या फिर ज़्यादा सूखा है, उस कारण नहीं। ये कंक्रीट के जो आरएमसी के साथ जो लिक्विड आता है फर्स्ट टाइम पे, उस लिक्विड को ना हटाने की वजह से हुआ है, ठीक है। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है, खुद मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है कि ये चीज़ उसके कारण ही होती है, ठीक है। और मैंने काफ़ी लोगों से पता किया तो ये उन्होंने सही चीज़ कही कि ये पहला लिक्विड इसलिए डालते हैं कि वो कंक्रीट उनके पंप में फंसे ना, तो पंप में ना फंसे, तो इसलिए पहली बार जो भी पंप होके आता है हर एक ट्रक में, ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि पूरे उसमें ही रहेगा, जो एक ट्रक आएगा, चाहे आपका फर्स्ट ट्रक आता है तो फर्स्ट ट्रक जब भी निकलेगा उससे कंक्रीट, तो उसको साफ करना है। फिर सेकेंड ट्रक जब भी आएगा, तो जो पहला सेकेंड ट्रक से जो पहला कंक्रीट निकलेगा उसको भी आपको जो लिक्विड होगा वो साफ़ करना है, लिक्विड जरूर वो साफ़ कर देना है, उसके बाद ही आप कंक्रीट जो है वहाँ पे डालें स्लैब में और वाइब्रेटर लगाएं, जो भी आपको करना है उसके बाद आप काम कर सकते हैं, जिससे कि हनीकॉम्बिंग आने का खतरा इस तरह इसके कारण नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लो तो ये चीज़ दिक्कत थी, आप इसमें तो कुछ जगह पार्टों में ऐसा भी सरिया भी दिख रही थी, इतना ज़्यादा हो गया था कि इसी लिक्विड की वजह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आरएमसी के जब भी कंक्रीट आप डलवाएंगे तो आपको ये लिक्विड पानी से पहले साफ कर देना, उसके बाद ही आप कंक्रीट यूज़ करेंगे, ठीक है। और दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, आपको ये मुझे ये एक्चुअली ध्यान नहीं था उस वीडियो में बताने के लिए, तो इस वीडियो में सोचा कि बता दूं आपको ये चीज़ भी, क्योंकि उस टाइम ध्यान नहीं था मुझे कि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।